कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए वो 10 क्वेश्चंस लेके आया हूं, 10 नंबर सीरीज लेके आया हूं। वो नंबर सीरीज बार बार एग्जाम्स में पूछी जा रही है, मतलब उसी पैटर्न की क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं। तो वो 10 नंबर सीरीज, वो भी मैं रॉन्ग नंबर सीरीज लाया हूं, स्पेशली SBI PO प्री के लिए। ठीक है, ठीक है। और क्लर्क मेंस भी आ सकती है, क्योंकि क्लर्क मेंस के अंदर भी रॉन्ग नंबर सीरीज आती है। तो स्पेशल मैं उनके लिए लाया हूं जो बार बार पूछे गए हैं, जिसे 4-5 साल में जो नंबर सीरीज बार बार पूछी गई है। तो कुछ नंबर सीरीज के मैं तोड़ बता देता हूं। तोड़ का मतलब क्या होता है, देखिए नंबर सीरीज एक चैप्टर है तो उसको अलग से पढ़ाएंगे, लेकिन आज तोड़ बता रहा हूं नंबर सीरीज का। उस तोड़ से आप करके देखना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। देखिए क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट साइड अलग अलग बनाती है, अलग अलग पैटर्न की, वो एग्जाम्स में नहीं आते। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करोगे तो पता चलेगा कि हाँ मेरे से नंबर सीरीज हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, तो जितना तोड़ मैंने सीखा है मेरे एक्सपीरियंस पढ़ाते पढ़ाते पढ़ाते, तो और एग्जाम देते देते बच्चों से फीडबैक लेते लेते, तो वो 10 क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं वो आज हम करेंगे। ठीक है, तो उसके कुछ पैटर्न है। देखो नंबर सीरीज को पकड़ने का सबसे बेस्ट टूल है पीछे से पकड़ो। कहां से पकड़ो? पीछे से पकड़ो। दूसरा रूल, नंबर अगर धीरे धीरे बढ़ रहा है तो वो एडिशन की सीरीज होगी। धीरे धीरे बढ़ने का मतलब है 12, 18, 26, 35 ऐसे। उसके बाद अगर नंबर तेजी से बढ़ रहा है, जैसे 3, 3, 6, 18, 72 फिर 1, 230 ऐसे बोल रहा है, तो वो नंबर हो गया मल्टीप्लाई सीरीज। कौन सी सीरीज हो गई? मल्टीप्लाई। तीसरा रूल, अगर नंबर तेजी से घट रहा है, तेजी से घट रहा है, देखो एक होता है धीरे धीरे घटना, एक होता है तेजी से घटना। तो तेजी से घट रहा है तो डिवाइड हो रहा है, और धीरे धीरे घट रहा है तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, अब कभी कभार क्या होगा, एक नंबर बढ़ा घटा, बढ़ा घटा, बढ़ा घटा। देखो मैं शॉर्ट समरी में समझा रहा हूं, लेकिन वो 10 पैटर्न जब समझा दूंगा तो आपको समझ में जाएगा। हाँ यही एग्जाम में आते हैं, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो तुरंत समझ जाएंगे। ठीक है, नंबर बढ़ा घटा, बढ़ा घटा, बढ़ा घटा ऐसा हो रहा है, तो वो अल्टरनेट की सीरीज है, ये तोड़ है अल्टरनेट सीरीज, क्योंकि अल्टरनेट सीरीज को पकड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। तो जब नंबर बढ़ा घटा, बढ़ा घटा, बढ़ा घटा, अब आता है जब नंबर जस्ट उसका आधा हो जाए, ये सीरीज 100% एग्जामों में पूछी जाती है। जब नंबर का जस्ट आधा हो जाए, क्या बोला मैं, नंबर अगर आधा हो जाए या नंबर में डेसिमल हो तो 95% होता है वो डेसिमल की सीरीज होती है। कौन सी सीरीज होती है? डेसिमल की। उसके बाद लास्ट एक होती है टू स्टेज सीरीज, मतलब दो स्टेजें बनती है माइनस करके, वो पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो उसको मैं देख बताऊंगा अभी कैसे करना है। तो वो 10 पैटर्न के जो चीजें हैं जो बार बार एग्जामों में पूछी जा रही है, उनका एक एक क्वेश्चन लूंगा मैं और आपको वो समझाऊंगा कि 1 मिनट में या 2 मिनट के अंदर नंबर सीरीज को फटाफट फटाफट कैसे करना होता है। दूसरी चीज, आप क्या करेंगे, समझेंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, कौन सा पैटर्न मैं बताना चाह रहा हूं जो एग्जाम में बार बार ही पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए देखिए ये पैटर्न समझ में आ गया जो मैंने पैटर्न बताया। नंबर धीरे धीरे बढ़ा एडिशन सीरीज, नंबर तेजी से घटा, तेजी से घटा डिवाइड सीरीज, नंबर तेजी से बढ़ा मल्टीप्लाई सीरीज, तेजी से घट रहा है धीरे धीरे घट रहा है तो सब्ट्रैक्शन सीरीज, नंबर जस्ट आधा हो रहा है या फिर मतलब 16 है 16 के बाद 8 आ गया मतलब वो नंबर आधा का मतलब है, या डेसिमल में तो डेसिमल सीरीज, नंबर बढ़ रहा है घट रहा है बढ़ रहा है घट रहा है बढ़ रहा घट रहा है, तो ज्यादातर वो सीरीज होती है अल्टरनेट सीरीज, और एक होती है टू स्टेज सीरीज। ठीक है, एक स्क्वायर वाले भी आते हैं, स्क्वायर क्यूब वाले, वो क्लर्क लेवल में आते हैं, वो भी एक अपन कर लेंगे। ठीक है, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। होप सो आपको ये सेशन अच्छा लगे। एक पैटर्न और है दोस्तों, एक पैटर्न और कौन सा है वो और मैं बता देता हूं। प्राइम नंबर का डिफरेंस आ जाता है, या प्राइम नंबर जोड़ने को आ जाता है, या प्राइम नंबर मल्टीप्लाई करने को आ जाता है, वो भी होता है। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं रॉन्ग नंबर सीरीज का। 10-15 मिनट का वीडियो होगा, उस 10-15 वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही अच्छी चीज देने वाला हूं, जिससे आपको एग्जाम में नंबर सीरीज करने में बहुत अच्छी मदद मिलेगी। ठीक है, देखिए 2 मिनट में जितना मैं कहता हूं, 2 मिनट के अंदर अगर पूरी नंबर सीरीज हो जाए तो अच्छी बात है। किसी पे स्टिक मत करो, क्योंकि नंबर सीरीज का भरोसा नहीं हो, कोई और पैटर्न दे दे। मैं जो पैटर्न्स बता रहा हूं ज्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, मतलब 5 में से 3 पैटर्न तो 100% ये वाले होते ही होते हैं ज्यादातर। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं, स्टिक मत करो नंबर सीरीज पे, क्योंकि स्टिक नंबर सीरीज के बहुत सारे पैटर्न बनते हैं, और अलग अलग वेबसाइट में आपको बेवकूफ बनाने के लिए ऐसा टफ टफ दे देंगे कि आपसे होगा ही नहीं। आप वो मत करो, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करो, आज के पढ़ाने के बाद आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करो। देखिए ये 10-15 मिनट का सेशन आपके लिए कितना बेहतरीन होता है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, तो देखो ये पहला नंबर, नंबर देखो धीरे धीरे बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है, तो देखो 1331, 1342, 1355, 1372 नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा है। नंबर क्या हो रहा है? धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो देखो जरा इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है। तो अगर मैं इस नंबर सीरीज को देखू तो वन, देखो रॉन्ग नंबर सीरीज है,
तो 1342, 1358, मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं, ठीक है। तो देखो 1331, 1342 और एक सीरीज है 1355, ठीक है, और 1372, ठीक है, 1391, 1414, ठीक है, और एक है आपका 1445, ठीक है। ये नंबर है आपके सामने। अब आप देखो नंबर धीरे से बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, देखो इसमें कितना डिफरेंस आया, 11, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस देखो 13, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस देने के बाद देखो ये कितना हो रहा है, 17 हो रहा है, नहीं हो रहा, 17 ही हो रहा है। 17 के बाद अब ये देखो तो ये हो गया 19, ठीक है। तो अब आप बताओ ये नंबर सीरीज किसकी, देखने में कुछ पता चल रहा है, देखो प्राइम नंबर 11 13 17 19। अब 19 के बाद क्या होना चाहिए आपका नंबर, 19 के बाद आपका आता है 23, तो यहां पे 23 का डिफरेंस आना चाहिए, 1414 है, तो देखो 101 111, ये 23 आ रहा है। तो अब ये वाला पैटर्न देखो, 23 के बाद कितना आता है, 23 के बाद आता है 29 29। तो अगर आप 29 ऐड करोगे, कितना ऐड करोगे, 29 ऐड करोगे, तो 1414 में 29 ऐड करोगे तो 9 और 4 13 4 1443 आएगा, लेकिन ये कितना आ रहा है, 1442। इसका मतलब ये वाला नंबर क्या है, रॉन्ग है, ये था प्राइम नंबर का। तो समझ में आया पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन, आप स्क्रीन पे, आप लाइव चैट में आप फटाफट मुझे बता दी जाइए कि इसका आंसर क्या होगा, जब तक मैं इसको मिटा लेता हूं, फटाफट करिए फटाफट, देखिए फटाफट करेंगे तो अच्छा रहेगा। 7 9 20 63 256 256 1285 और 1776, ठीक है, इनमें से कौन सा नंबर रॉन्ग है वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। नहीं, ये है 7716, सॉरी, ठीक है। अब ये पैटर्न हम लोग देखते हैं और इसको समझते हैं। देखिए नंबर पहले देखो तेजी से बढ़ रहा है या धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो आप देखो 7 9 20 63 256, मतलब तेजी से बढ़ रहा है, तो 100% ये मल्टीप्लाई वाली सीरीज होगी, ठीक है। तो अब थोड़ा पैटर्न देखते हैं, देखो 7 की टेबल में 9 तो नहीं आता, नहीं आता ना, तो फिर क्या आता है, इसको थोड़ा सा आप, चलो आप ही करो पहले, आप बताओ, आप सबके आंसर बताओ जरा कमेंट सेक्शन में कि आपके क्या आंसर आ रहे हैं, ठीक है, उस हिसाब से हम लोग करेंगे, ठीक है, ठीक है। चलो मैं बताता हूं आपको, 20 देखो मैंने यहां से पकड़ने से अच्छा है, मैंने देखो क्या देखा, 20 यहां से देखा नंबर को, थोड़ा ध्यान से, थोड़ा आगे पीछे भी देख लिया करो, मैं पीछे से देखता हूं नंबर हमेशा, पीछे से मुझे आइडिया लग जाता है कि क्या हो रहा है, लेकिन यहां से भी पता चल रहा है 20 × 3 + 3, अब 63 × 4, अब आप बोलोगे 60 × 4 होता है 240, 3 × 4 = 12, 252 में 4 जोड़ोगे तो 256, राइट। अब आप देखो × 5 + 5 × 5 का रूल ये होता है कि किसी भी नंबर को × 5 करना है ना, तो जस्ट इस नंबर का आधा कर दो, कितना हो गया 128, 1280 हो गया, उसमें जीरो जोड़ेंगे तो 1280 + 5 = 1285, अब 1285 में 6 का गुणा करो प्लस 6 करो, तो आपको एक पैटर्न दिख रहा है × 3 × 4 + 4, मतलब ऐसे × 6 + 6 ऐसे जोड़ रहा है, तो ये वाला क्या होना चाहिए था, × 2 + 2, तो 9 × 18 + 2 = 20 हो रहा है, तो यहां कितना होना चाहिए था 7, अब देखो यहां पे पैटर्न बिगड़ सकता भी है, देखो यहां होना चाहिए 7 × 7 + 1, तो यहां 8 आना चाहिए, ठीक है, तो 8 आना चाहिए इस नंबर सीरीज में, ये 7 नंबर नहीं है एक्चुअली, क्या इसमें 2 नंबर गलत आ गए, इसमें 2 नंबर गलत आ गए, एक्चुअली क्या था इसमें, ये नंबर जो था, हाँ ये रॉन्ग नंबर सीरीज, ये सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन गलत है, इसमें थोड़ा पैटर्न चेंज करना पड़ेगा, मैं पैटर्न चेंज कर देता हूं, यहां पे यहां 8 कर देता हूं, ठीक है, और 8 के बाद यहां 9 कर रहा हूं और यहां मैं 22 कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर मैं यहां 22, थोड़ा सा पैटर्न चेंज, क्वेश्चन चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा एरर आ गया इसके अंदर, चलो कोई बात नहीं, मैं इसको 20 कर देता हूं और यहां मैं कर देता हूं 7, ठीक है, 7 करने से, 7 करूं यहां पे, 7 कर देते हैं, हाँ 7 कर देते हैं, चलो, तो देखो 7 करने से, 7 नहीं करते इधर, 8 करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं अपन, है ना, ये वाला नंबर गलत कर देते हैं, ठीक है, एक बार थोड़ा सा, ठीक है, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्वेश्चन एरर है इसमें, थोड़ी सी गलती हो गई इसमें, ठीक है। तो देखो यहां 8 + 1 = 9, 9 ये पैटर्न चल गया, यहां पे आना था 6 लेकिन यहां 7 आ गया,
ये क्वेश्चन में एरर है, थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन में एरर है। तो इसमें मैंने ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया, यहाँ पे 7717 कर दिया, ठीक है, ये एरर कर दिया जिससे क्वेश्चन की सीरीज नहीं बिगड़े। तो ये पैटर्न, मेरा मुद्दा की बात यह है कि पैटर्न समझ में आ गया, ये क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आ गया, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, ये समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये तेजी से नंबर बढ़ने वाला हो गया। अब चलो दूसरा तीसरा क्वेश्चन करते हैं, ये तीसरा क्वेश्चन है, करिए। अब देखो नंबर तेजी से घट रहा है या बढ़ रहा है, फटाफट देखो, 534, 266, 132, 64, 31.5 और ये नीचे लिख देता हूं मैं 14.75, ठीक है। तो अब आप देखो इसका जस्ट आधा करो, इसका आधा हुआ 267 हुआ। तो 267 में देखो डिवाइडेड बाय 2 हुआ और माइनस 1 करना पड़ा। अब इसका करोगे तो 133 आएगा, उसमें से 1 बटा दो, इसमें से क्या करो 66 करो। अब देखो 66 हो गया ना, 66 में से 1 घटाओ, 65 होना चाहिए था, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, 64 हो रहा है, इसलिए नंबर क्या है, 64 नंबर वाला क्या है, गलत है। ये नंबर तेजी से घट रहा है इसलिए ये डिवाइड वाली सीरीज हो गई। तो तीन पैटर्न पड़े, तेजी से मतलब धीरे धीरे बढ़ना, तेजी से बढ़ना, तेजी से घटना, ये तीन पैटर्न अच्छे से समझ में आपको आ गए होंगे। अब हम देखते हैं चौथा पैटर्न, चौथा पैटर्न क्या कहता है वो हम समझते हैं। चलिए चौथा पैटर्न देखें, फटाफट देखते हैं चौथा पैटर्न को, ठीक है। चलो ये चौथा पैटर्न है, अब आप इसको बताओ ये इस पैटर्न में क्या हो रहा है, क्या यह नंबर तेजी से बढ़ रहा है या क्या यह नंबर तेजी से घट रहा है या क्या चीज है ये मैंने ना ये वाला क्वेश्चन जान पूछ के, रॉन्ग नंबर नहीं है ये, निकालने वाला मिसिंग नंबर वाला है ये नंबर सीरीज। तो इसको आप थोड़ा सा देखो और बताओ मेरे को कि क्या हो रहा है, क्योंकि इसमें कुछ समझाना था मुझे। ये देखो नंबर आपको ये तो दिख गया कि धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे बढ़ रहा है इसका मतलब ये है तो एडिशन की सीरीज। तो जरा देखें तो 2, 5, 10, 17, अब इसके आगे वाला नंबर ही तो पूछा है आपसे। तो देखो यहां से तो कुछ नहीं पता चला, लेकिन यहां से देखोगे तो 3, 5, 7, देखो 2-2 का अंतर आ रहा है, तो अब आएगा 9, 17 में 9 जोड़ा तो 26 हुआ, 26 में इसमें जो जोड़ दो तो आपका हो गया 7 और 6, 13, 11 का 1, 213 आपका आंसर हो गया। तो 213 आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये होती है टू स्टेज सीरीज, इसको थोड़ा सा ना मुश्किल होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है इसको पकड़ना, लेकिन नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा है तो एडिशन हो गया, तो उसी के अंदर कुछ ना कुछ पैटर्न बन जाएगा। हो सकता है यहाँ 4 की टेबल बन जाए, हो सकता है यहाँ 8 की टेबल बन जाए, कुछ भी बन सकता है, ठीक है। तो ये चार पैटर्न एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जब 100% का मतलब पिछले 4 साल से लगातार पूछ रहे हैं, तो अब आप देखते हैं नेक्स्ट वाला, ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो और समझो। देखो फटाफट देखो, डेसिमल वाला बोला था, याद है डेसिमल में क्या बोला था, अगर नंबर पॉइंटों में या फिर जस्ट आधा हो रहा है। देखो वो हो रहा है नहीं हो रहा, अगर हो रहा है तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। देखो 5, 2.5, 5, 20, 160, 2561 ये नंबर है। तो देखो 5 का आधा 2.5 है ना, आधे से मल्टीप्लाई किया, फिर 1 से किया, फिर 2 से किया, फिर 4 से किया, फिर 8 से किया, और अब 16 से करना था। क्यों? क्योंकि देखो 2 का वो चल रहा है मल्टीपल, 2, 4, 8, 16, तो ये नंबर जो होगा ना 16 × 16 होता है 2560, ये है 2561, इसलिए 2561 नंबर क्या होगा, गलत होगा। तो डेसिमल भी ऐसे ही पकड़ना है आपको, एग्जाम में ऐसे ही आते हैं, मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलो ये पांचवा नंबर का आपको क्लियर हुआ, अब आप छठा करिए। ये दुनिया का सबसे आसान है, इसमें तो मैं आपको नंबर सीरीज भी नहीं लिखूंगा, ये तो बच्चा बच्चा बता सकता है, मतलब ये क्लास में छोटा बच्चा जो होता है 5th क्लास का बच्चा भी बता सकता है इस नंबर सीरीज को, कभी कभार बोनस पॉइंट में मिल जाता है ये। बताओ जरा 6th नंबर बताओ फटाफट। कौन बताएगा फटाफट, देखो 6th नंबर में क्या हो रहा है। अभी अभी मैंने बताया था एक पैटर्न, दोस्तों याद नहीं आ रहा आपको, बड़ा घटा बड़ा घटा बड़ा घटा बड़ा घटा,
ये छोटे बच्चे नहीं कर सकते, ये तो मैं मजाक कर रहा था आपसे, बड़ा घटा बोला था ना, अल्टरनेट सीरीज होती है। कौन सी सीरीज होती है? अल्टरनेट सीरीज होती है, ठीक है। 75, 48, 99, 64, देखो 25 दुनी 50, 50 दुनी 75, है ना, 25 25 25 जुड़ रहा है, देखना 25 जुड़ा तो ये 100 होना चाहिए था, लेकिन यह 99। ऊपर देखोगे तो 16 की टेबल चल रही है, ठीक है, तो यहां चल रहा है 25 25 25 25 25 25, और यहां चल रहा है आपका 16 16 और 16। समझ में आ रहा है? नंबर बड़ा घटा बोला था ना अभी मैंने, तो वो कौन सी सीरीज होती है? अल्टरनेट सीरीज। होप सो आपको ये यही समझ में आ रहा होगा कि ये नंबर सीरीज कैसे हो रही है, ठीक है। चलो अब ये वाला भी हो गया, अब हम करते हैं सातवां, ये आप करें फटाफट। ये वाला क्वेश्चन मैं 100% कह सकता हूं ये बच्चा बच्चा कर सकता है, अगर आप भी कर सकते हैं तो आप करें जरा और हमें बताएं कि कैसा लगा आपको, क्या ये कोई पैटर्न है। ये कुछ मैंने अभी अभी बताया था, वो 10 पॉइंट, वो 5 6 पॉइंट जो मैं अभी, सॉरी 10 नहीं 5 6 पॉइंट जो मैंने आपको बताए थे, वो पैटर्न से बताओ जरा कि इसमें कुछ लग रहा है क्या। देखो जरा फटाफट, ये नंबर है, फटाफट बताओ जरा। अरे दोस्तों यार इतना टाइम नहीं लगता, इतना मैंने बोला जस्ट नंबर आधा हो रहा है, देखो आधा हो रहा है, मैं हर बार बोल रहा हूं कि नंबर अगर आधा हो जाए या फिर पॉइंटों में आ जाए तो कौन सा होता है? डेसिमल सीरीज होता है। तो देखो इसका आधा करेंगे तो 62.5 होगा, 62.5 में 0.5 जोड़ो 63 हो गया। अब इंटू 1 प्लस 1, अब इंटू 2 प्लस 2, इंटू 3 प्लस 4। अगर मैं इंटू 3 करता हूं तो देखो क्या होता है, ये थोड़ा सा देखो यहां पे समझने के, देखो 130 इंटू 3 होता है 390, तो 524 के पास तो पहुंचे ही नहीं, क्योंकि 524 है तो यहां इंटू 4 भी हो सकता था, और इंटू 4 ही हो रहा है क्योंकि 13 इंटू 4 520 हो गया, 520 में 4 जोड़ा 524 हो गया। तो अब ये होना चाहिए इंटू 8 प्लस 8, क्योंकि देखो 2 का गुणा चल रहा है। तो अब ये वाला पैटर्न अगर आप देखो तो 500 इंटू 8 तो 4000 हो गया, 24 इंटू 8 कितना हो गया, तो 24 इंटू 8 कर लो, ठीक है, तो ये 192 हो गया। तो 192 का मतलब क्या हो गया, आप 4000 में 192 जोड़ो, 4192 हो गया, 4192 में 8 जोड़ा तो कितना हो गया, 4200 हो गया। फिर इसका मतलब क्या है, ये इंटू 16 प्लस 16 होना चाहिए था ये क्वेश्चन, ये 100% ये वाला नंबर क्या होगा, गलत होगा। तो होप सो आपको ये भी समझ में आया होगा, ये एक पैटर्न है, ये वो पैटर्न्स करा रहा हूं जो प्रीवियस ईयरली पूछे गए हैं। मैं कह रहा हूं इसके बनने के बाद प्रीवियस ईयर के जितने भी एसबीआई पीओ प्री के क्वेश्चंस हैं वो करके देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ भाई वही पैटर्न आ रहा है जो मैं आपको बार बार इतनी देर से बोल रहा हूं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, बताओ जरा ये बताओ फटाफट ये कैसे करेंगे, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट सब लोग कमेंट सेक्शन पे। बताओ फटाफट, नंबर आपको इतना तो दिख गया ना। मैं देखो हर चीज के दो दो पैटर्न करा रहा हूं क्योंकि एग्जाम में वही पूछे जाते हैं, नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब जब नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा है, देखो मैंने तोड़ बता दिया आपको, तोड़ का मतलब ये है कि क्या है करना है। तो ये देखो 3, फिर ये हो गया 5, ये हो गया आपका 11 हो गया ना, नहीं 9 हो गया, ये हो गया आपका 16, और ये कितना हो गया आपका 34, ठीक है, 3 5 9 34 हुआ। तो अंतर ऐसे ही आ रहा है, नीचे से पता चलेगा, थोड़ा और देख लेते हैं, 2 4 7 7 हो रहा है, 2 4 7। अब यहां देखो, अब ये 2 का टेबल चल रहा है एक्चुअली, तो यहां 8 आना चाहिए था, ये थोड़ा सा हार्ड है ध्यान रखना। तो 8 आएगा तो देखो क्या होगा, 9 में 8 जोड़ा तो 17 आया, और 17 आने से 306 में 17 जोड़ो तो यहां आ जाएगा आपका नंबर 323 आ जाएगा ना, हाँ 23 आ जाएगा। अब 17 में देखो जैसे ही 16 जोड़ा, तो 17 में 16 जोड़ा तो 33 हुआ, और 33 करते ही ये नंबर क्या हो गया, 356 हो गया,
इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कौन सा क्वेश्चन नंबर गलत था, कौन सा नंबर गलत था, 322 वाला नंबर। तो यहाँ पे 322 वाला नंबर जो था वो गलत था, ठीक है। यहां से पकड़ा आपने, ये सबसे टफ होती है, एग्जाम में पकड़ने में थोड़ी डिफिकल्ट होता है, टाइम लगता है इसके अंदर, ये मैं खुद कहता हूं आपसे, ठीक है। तो फटाफट आप क्या करें, अगला क्वेश्चन करें। 10 क्वेश्चन है, लेकिन वो 10 क्वेश्चन आपका नंबर सीरीज करने का तरीका बदल देंगे। ठीक है, चलो ये करो फटाफट, ये नंबर सीरीज करो 19 वाली, ठीक है। ये एक पैटर्न है, अभी अभी कराया था वो पैटर्न, मैं रिपीट करके आपको अच्छे से याद कराना चाह रहा हूं कि हाँ भाई ऐसे ही करना है क्वेश्चनों को। 19, 20, 45, 129, 4, 520 और 2605, ये नंबर है, फटाफट बताओ कैसे करेंगे। देखो 19 एकम 19 प्लस 1, ऐसा लग रहा है क्या? ठीक है, अब यहां से देखेंगे तो ये पैटर्न ही चल रहा कि इंटू 2 प्लस 2, तो ये तो 42 होना चाहिए था। तो यहां देखो जरा, 520 में क्या गुणा किया होगा, पहली बात तो ये, तो 520 में 5 गुणा करो, उसमें 5 जोड़ो, ये आ जाएगा। अब 129 में 4 गुणा करो और 4 जोड़ो, ये आ जाएगा 45। अब देखो 45 यहां तक तो समझ में आ गया, अब ये 45 है, अब 45 में क्या जोड़े, देखो 45 × 3 135 होता है, कितना होता है 135। अब 129 × 4 भी करके देख लो, 49 × 36 3, 4 × 2 = 8 + 3 = 11, तो 516 आया, 516 में 4 जोड़ दिया, 520 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका, उसके बाद 45 × 3 135 होता है, और 135 में 3 जोड़ा तो 138 आना चाहिए था, तो 129 नंबर गलत लग रहा है यहाँ एक तो, और एक यहाँ 45 नंबर भी गलत लग रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कोई नंबर सीरीज गड़बड़ है, कौन सी गड़बड़ है, यहाँ पे नंबर सीरीज गड़बड़ है। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये नंबर गलत दे रखा है, दो नंबर गलत है, मतलब ये वाला क्वेश्चन भी गलत है। तो देखिए गलत नहीं है, मैं इसको थोड़ा सही कर देता हूं। तो इसको सही करने के लिए यहाँ पे सिर्फ 138 लिखना है मेरे को, ये नंबर सही हो गया, ठीक है। 138 नहीं, 138 लिखते हैं, 138 था, क्या नंबर था इसमें एक्चुअली, 129 लिख देते हैं, 129 ही लिखा हुआ है ना, हाँ 129 लिख देते हैं। तो देखो यहां पे गड़बड़ हो रहा है कुछ, यहां पे कोई पैटर्न नहीं बैठ रहा है। तो देखो पैटर्न बिठाने के लिए क्या करें कि यह नंबर गड़बड़ है या नहीं, तो ये देखो इंटू 2 + 2 करेंगे तो 42 आएगा। अब करके देखो 42 × 3 = 126, 126 में 3 जोड़ा 129। नंबर सीरीज ऐसी पकड़ में आती है, पता लगता है कि दो नंबर गलत नहीं है, वो एक ही गलत होता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा नंबर गलत था, ये 42 नंबर का गलत था, क्योंकि 42 अगर सही हो गया तो उसके बाद ही नंबर सीरीज का पैटर्न बैठ जाएगा, ठीक है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन है, वो और करते हैं, ठीक है, ये और करो, फिर फिनिश करते हैं आज का टॉपिक। ये दुनिया का सबसे आसान है, मैं नहीं चाहता कि आपको बताऊं, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, तो अब होना चाहिए था 13 का स्क्वायर, जो 179 है, 179 की जगह 169 आना चाहिए था, और ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया, 179 इसका रॉन्ग नंबर है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। होप सो ये नंबर सीरीज के जो पैटर्न मैंने बताए ये आपको अच्छे से समझ में आएंगे, क्योंकि ये पैटर्न ही एग्जाम्स के अंदर बार बार आते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और एक बात, मैंने जो एक चैप्टर आपको अब तक पढ़ा दिया उसकी पीडीएफ डाल दी है मैंने बैंकर्स नीति के चैनल पे, तो बैंकर्स नीति के चैनल पे जाएं और टेलीग्राम चैनल पे जाएं और वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके हिंदी इंग्लिश दोनों में दिए उसके क्वेश्चंस करें, जिस ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करें, और कोई डाउट होता है तो आप पूछें। तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट कर, जितना कमेंट करेंगे उतना अच्छा हमें मोटिवेशन मिलेगा। अगर आपको कोई सुझाव देना है तो वो सुझाव भी दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में, जिससे हम लोग और से और अच्छा बेहतर कर सके। थैंक यू सो मच।